में आपका स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। सो जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मंदिर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैसे मैंने उसको दिवाली के लिए डेकोरेट करा। सो फर्दर एनी डिले लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले करेंगे हम मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन एंड जितने भी भगवान जी मैंने यहाँ पे रखे थे मैं उनको मंदिर के ऊपर रख दूँगी एंड मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बिकॉज अगर आप डेली धूप वगैरह जलाते हैं ना तो अगर अंदर से आपका मंदिर वाइट है तो वैसे ही ब्लैक पड़ जाता है। एंड ये मैंने ओम मंगाए थे मीशो से, 120 रुपीज़ में मुझे मिल गए थे। वुडन के ओम हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्टडी है एंड अच्छे से मंदिर को साफ़ करने के बाद मैं वन बाय वन जितने भी भगवान जी थे उनको मैं उनकी जगह पे लगा दूंगी। एंड इसके बाद करेंगे हम रैक की साफ़ सफाई। एंड ये रैक थोड़ा सा मेसी हो रहा था तो मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस रैक को पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया। देन एक वाइट कलर का क्लॉथ रखा हुआ था वो मैं अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर लूँगी। देन मेरे पास एक रैक रखा हुआ था, मैं अच्छे से जितने भी मैं डेली का लाइक पूजा का सामान यूज़ करती हूँ मैं उसको इस रैक में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी ताकि पूरा रैक मेसी ना हो, वो इसी रैक में पूरा सामान आ जाए। तो मैंने ये ऑनलाइन बैटरी लाइट मंगाई थी वो मैं मंदिर के ऊपर प्लेस कर दूंगी बिकॉज मेरे मंदिर के अंदर कोई भी लाइटिंग वगैरह नहीं थी। देन मैं चौकी लगाऊंगी बिकॉज मैं दिवाली वाले दिन चौकी ज़रूर लगाती हूँ, मैं लक्ष्मी गणेश जी चौकी पे ही रखती हूँ। एंड उसके ऊपर मैं बनाऊंगी कैनोपी। कैनोपी बनाना बहुत ईजी है एंड आप किसी भी चुन्नी को लीजिए एंड ऊपर से रबर बैंड से टाई अप कर दीजिए एंड अगर आपने कोई नेल वगैरह वहाँ पर लगाई हुई है तो ऐसे करके आप हैंग कर दीजिए। देन उसके ऊपर मैं लगाऊंगी लाइटिंग एंड हमारा एक चौकी तैयार है। इसके बाद मैं इस वॉल का करूंगी डेकोरेशन। सबसे पहले मैंने ये शुभ लाभ लगाए हैं जो मैंने DIY बनाया था एंड ये पॉम्पॉम हैंगिंग लगा देंगे तो हमारी ये वॉल पूरी रेडी हो जाएगी। इसके बाद मंदिर के आगे मैंने एक टेबल रखा, टेबल के ऊपर मैट एंड देन ये मेरे पास स्टीलाइट कैंडल होल्डर रखा था वो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी बिकॉज थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने ये जो मटका DIY बनाया था उसके ऊपर मैं फ्लावर कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर लूंगी एंड स्टीलाइट कैंडल होल्डर भी उसके ऊपर रख दिया था। देन मैं यहाँ पे चौकी के आगे एक मैट रखूंगी, मैट के ऊपर मैंने ये उरली रखी है एंड उरली को फ्लावर से डेकोरेट कर लूंगी। देन ये जो मैट था ना उसके पूरे साइड्स में ऐसे करके मैं फ्लावर लगा लूंगी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, भरा भरा वाला लुक आ रहा था। देन इसके बाद हमारी जो कैनोपी थी ना उसके ऊपर मैं ये लाइक बेल प्लेस कर लूंगी। देन लास्ट हम टी लाइट कैंडल होल्डर रखेंगे। देन हमारा मंदिर तैयार है एंड ये दिवाली के लिए परफेक्ट डेकोरेशन है। कुछ इस टाइप की आप डेकोरेशन कर सकते हैं, थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है।
लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.